माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर झंडा वंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है यहाँ उपस्थित होने वाले थे। उसके पूर्व जो है कार्यक्रम की व्यवस्था हम देर रात्रि से लेकर सुबह तक यहीं उपस्थित थे। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय विनय वाकलीवाल जी के निर्देश पर मुझे और कई कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुशासन बना रहे और जहां मुख्यमंत्री जी झंडा वंदन करने वाले हैं वहां सेवा दल और कुछ चुनिंदा नेताओं को जाने की अनुमति दी गई थी और वो मुझे निर्देश दिए गए थे। शहर कांग्रेस के तमाम हमारे पदाधिकारी चाहे विनय वाकलीवाल जी हो, भवर शर्मा जी हो, संजय वाकलीवाल जी हो, सन्नी राजपाल हो या इम्तियाज वेली, ये सारे लोग हम व्यवस्था संभाल रहे थे और उन्हीं लोगों को आने का अनुमति थी जो उसके अंदर थे। मगर एक भू माफिया चंदू कुंजीर कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर पुलिस की जो व्यवस्था थी मुख्यमंत्री जी की रोज जो बनी थी झंडा वंदन की, उसमें घुसने की कोशिश की, उसने तोड़ने की कोशिश की और घुसा। मैंने जब उसको रोका तो उसने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था कमलनाथ जी का उसको बिगाड़ने की उसने कोशिश की। मैंने बहुत धैर्य रखा और धैर्य रखते हुए जो है मैंने संयम रखा कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं बिगड़े, मगर उस भू माफिया और गुंडे चंदू कुंजीर ने कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश की और मारपीट की मेरे साथ। इस संबंध में मैंने थाना पंडरीनाथ पर पुलिस प्रकरण दर्ज करवा दिया है। साथ ही हमारे जो प्रभारी वो हैं मध्य प्रदेश के आदरणीय शेखर साहब, जो उनसे मैंने चर्चा की है, उन्होंने कहा मुझे लिख कर दें। साथ ही मैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल जी को लिख कर दूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कांग्रेस में घुसकर अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व ये क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ भी देखे गए। ये भाजपा से मिला हुआ आदमी है, चंदू कुंजीर भू माफिया है, पूरी बीजेपी की मदद करता है विधानसभा चुनाव में और भाजपा से मिलकर काम करता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। ये अपने फायदे के लिए कांग्रेस में है, ऐसे लोगों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाना चाहिए, अन्यथा और लोग अगर इन पे ऐसे लोगों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं की गई तो लोग जो कांग्रेस में और भी जो लोग हैं इस टाइप के वो अनुशासनहीनता करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कांग्रेस से बाहर किया जाए